हेलो यूवर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत आम सी चीज़, गज़ाई भी है दवाई भी है, जिसको कि हम शहद के नाम से जानते हैं, हनी भी बोलते हैं उसको, शहद भी बोलते हैं, उसके सिलसिले में कोई मालूमात आपको पेश करता हूँ। क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूज़न रहता है हम लोगों को कि छोटी मक्खी का लें, बड़ी मक्खी का लें, असली क्या है, नकली क्या है। तो उस सिलसिले में इसी इशू पर मैं आपके सामने कुछ अपने ख्याल रख रहा हूँ। देखिए, शहद तो शहद है, चाहे छोटी मक्खी का हो, चाहे बड़ी मक्खी का हो, चाहे फार्मिंग का हो, इसके कंटेंट्स तो वही होते हैं। अब छोटी मक्खी जो होती है, उसकी खासियत यह है कि वो अपना छत्ता वगैरह जो है ऐसी जगह बनाती है कि जो आसपास बाग है, झाड़ियों के अंदर, कोई किसी मकान के अंदर, और फिर वो बागात से जाकर फलों के ऊपर, फूलों के ऊपर से शहद लेकर के आती है, जिसे हम नेक्टर के नाम से जानते हैं, जो उसमें डाला जाता है। और बड़ी मक्खी जो है, इसका छत्ता काफ़ी बड़ा होता है, और पहाड़ों में और बहुत ऊंची ऊंची जगह पर इसके छत्ते पाए जाते हैं, जो कि जिनसे हम 60 लीटर या 60 किलो से लेकर 100 किलो तक का शहद ले सकते हैं। और छोटी मक्खी का ऐसा नहीं होता, उसका 1 या 1.5 किलो या 1 या 1.5 लीटर शहद ही हम हासिल कर सकते हैं। बड़ी मक्खी को हम एपिस डोरसेटा बोलते हैं और छोटी मक्खी को एपिस फ्लोरिया। तो ये तो बात हुई छोटी और बड़ी मक्खी के फ़र्क की। अब देखिए, इनके जो छत्ते होते हैं, आपने उनमें इनके मकान देखे होंगे, जो इनके घर बने हुए होते हैं, जिनको हम खाने बोलते हैं, वो कैसे बने हुए होते हैं, छोटे मुसद्दसनुमा, और जिन्हें हेक्साकोनल भी कहा जाता है, ऐसे खाने होते हैं। बड़ी मक्खी अब उसमें शहद जमा करने के लिए बड़ी दूर तक का सफ़र करती है, मीलों का सफ़र भी कर लेती है, और वो बहुत सारे पेड़ पौधों पर, फलों पर, फूलों पर कहाँ कहाँ बैठती है। किसी में दवाई के असर आते हैं, किसी में विटामिन के असर आते हैं, किसी में कैसे हैं, किसी में कैसे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर वो एक नेक्टर की शक्ल में लेके इसमें आती है। अब ये देखिए, कितने दूर से जाकर वो उसी घर के अंदर अपने आती है। एक तो खुदा की कुदरती है, गौर कीजिए, और जो वहाँ से वो रस लेती है, फल से या फूल से या पेड़ से, तो उसी को नेक्टर कहा जाता है। और उसके अंदर जो मिठास होती है, तो उस टाइम में वो सक्रोज होती है, लेकिन जब वो उसके हाजमे में आती है, उसकी खाने की नली से मेदे में पहुँचती है, तो वहाँ पर जो एंजाइम उस पर काम करते हैं, तो उसको फ्रक्टोज और ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, जो कि हमारे लिए शुगर के बनिस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और बहुत से दवाई असरात भी इनके अंदर आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों पर वो बैठती है, वैसे ही असरात लेके आती है। कलर के हिसाब से देखिए, कोई सा काला होता है शहद, काले रंग पे होता है, कोई सफ़ेद रंग पे होता है, कोई सुर्खी माइल होता है, तो जैसी जगह से वो नेक्टर लाएगी ऐसा ही होगा। मान लीजिए आस पास नीम के पेड़ से लेकर के आ रही है तो कड़वाहट होगी, सरसों का खेतों से लेके आ रही है तो सर्दी माइल होगा, और मान लीजिए सेब वगैरह के बागात हैं, वहाँ से लेके आ रही है तो रंग भी हल्का होगा शहद का। तो ये इस पर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर देखिए, पाए जाने वाली जो चीज़ें हैं वो इस किस्म की हैं कि जो हम गौर करें तो हमारी सेहत के लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत से विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाती हैं, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक वगैरह, सब चीज़ें इसमें मौजूद एज ए होल इसमें मौजूद होती हैं। अब इसकी शुगर जो होती है, ये खून में जज्ब हो जाती है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट खून में जज्ब होती है, ऐसा कहा जाता है। जबकि जो टेबल शुगर है, जिसे चीनी हम बोलते हैं, वो अगर हम खाएँ तो उसके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। वो जाकर हमारे पैनक्रिया के उस पार्ट में, जहाँ पर इंसुलिन सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, उनको इरिटेट करती है और वहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होती है और वो उसको न्यूट्रलाइज करती है। जबकि सेहत के मामले में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट खून के अंदर ऐसे ही जज्ब हो जाता है। और इसके अंदर चूँकि विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो इसकी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि हमारे खून में जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से कैंसर वगैरह ऐसी चीज़ें पैदा होने का ख़तरा होता है, तो ये उनकी पैदाइश को सप्रेस करती है, एंटीऑक्सीडेंट जो भी चीज़ होगी। और दूसरा, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यूनो बूस्टर भी है ये, अगर हम रेगुलर यूज़ करें तो हमारी इम्यूनिटी को इससे ताकत मिलती है। अब आते हैं हम इसके कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे करा जाए। तो इसको देखिए, आँखों की बीमारियों में भी इस्तेमाल करते हैं, दमे की शिकायत में भी करते हैं, गले की बीमारियों में भी करते हैं, टीबी की शिकायत में भी करते हैं, और जो प्यास वगैरह की शिद्दत होती है, आतश जिसे बोलते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिस्की की शिकायत, कफ जो हो जाती है इसमें,
और आदमी को थकान आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, या जिगर में वर्म है, या कॉन्स्टिपेशन है, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। पाइल्स की शिकायत में भी करते हैं। पहले जो ज़ख़म आराम नहीं हुआ करते थे, उनकी ड्रेसिंग भी चीज़ें की जाती थी। तो ये बात तो आपके सामने मैंने शहद से मुतालिक बताई। अब इसका यूनानी में या हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल क्या होता है? देखिए, बहुत सारे जो खमीरे हैं, जवारिश हैं, माजून हैं, शरबत हैं, इनमें इसका इस्तेमाल होता है, और अकेले भी इसको दिया जाता है, और जैसे हासिल हुआ वह मोम होता है उससे साबुन है, लिप बाम है, कैंडल्स वगैरह हैं, और ब्यूटिफिकेशन की चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, दिल की सेहत से मुतालिक मैं आपको अगर बताऊं, दिल के लिए देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ख़राब चीज़ होती है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो इसके इस्तेमाल से जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL, उसकी रेशो बढ़ती है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL हो या ट्राइग्लिसराइड हो, तो उसकी जो रेशो है वो कम हो जाती है। ये इसका एक फ़ायदा है। और दूसरी बात यह है कि एक एब्सोल्यूट हर्बल सोर्स है। इसको हमें अपने जो मामूलात हैं नाश्ते वगैरह के अंदर, वैसे गुदा के तौर पर या मिठास के तौर पर, हमें शुगर को रिप्लेस करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। आपको ये ऑडियो कैसी लगी? आपने पसंद किया इसको तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइंदा भी खिदमत का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।